दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। अपार्टमेंट ही इलीगल था। हम लोग कल सुबह से बैठे हुए हैं, बॉडी मिल नहीं रही है उसकी। उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ में एक बड़ा हादसा सामने आया था, बिल्डिंग गिरने से कई लोगों के फंसे होने की सूचना सामने आ रही थी। लेकिन आपको बता दूं, इसमें से जो 14 लोगों को साकुशल निकाला गया था, 2 लोगों की इसमें मृत्यु हो गई थी। उसके बाद भी आज जो स्थानीय लोगों को ऐसा बदबू जो लगी, यहाँ पर लोगों ने सूचना दी पुलिस को और SDRF की NDRF टीम लगातार यहाँ पर काम कर रही है। लेकिन आपको दिखा सकते हैं कि यहाँ पर देख सकते हैं कि जो एक महिला जो नीचे दबी हुई है, उसकी आशंका जताई जा रही है कि इसमें एक महिला दबी हुई है। यहाँ पर लगातार सभी मेडिकल की टीमें आ चुकी हैं और लगातार NDRF और SDRF की जो टीम रेस्क्यू कर रही है, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार उस जो टीमें लगी हुई हैं उनको दिखाएं। और इसमें यह बताया जा रहा है कि एक महिला फंसी जो 201 या 202 पे रह रही थी, जिसका नाम शबाना है, जो मिल नहीं रही है। तो अभी यहाँ पे मैंने आप बता सकता हूँ कि यहाँ पे लखनऊ कमिश्नर है एडमिट कर, उनसे जब बात करी तो उन्होंने बताया है कि हाँ, इसमें एक महिला जो यहाँ पे रह रही थी 201-202 में, उसका नाम शबाना था, उस वो अभी मिली नहीं है। और कहीं ना कहीं आशंका जताई जा रही है कि इसमें एक महिला दबी हुई है, कहीं वही महिला तो नहीं है जो मिल नहीं रही है 2 दिन से। लगातार 40 घंटे हो चुके हैं, सभी टीमें, बात अगर की जाए जो आला अधिकारियों की, जिलाधिकारियों की, यहाँ पे लगातार मौजूद थे जो DGP थे, जिलाधिकारी थे, नगर आयुक्त थे, मंडलायुक्त थे, सभी लोग यहाँ पे मौजूद जिनकी निगरानी में। और खास कर बता दें आपको, जो यहाँ के सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वो इस पर लगातार नज़र बनाए हुए थे, अपनी पल पल की अपडेट ले रहे थे। लेकिन आज एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि इसमें एक महिला और दबी हुई है, जिसका रेस्क्यू चल रहा है। SDRF और NDRF की टीम लगातार उसका रेस्क्यू कर रही है, उसको निकालने की ये जो कोशिश है लगातार जारी है। लेकिन जो बदबू आई, तो यहाँ स्थानीय लोगों ने सूचना दी, उसके बाद से फिर से एक बार जो प्रशासन ने अलर्ट मोड पे दिख रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फिर से वैसे ही उसी तरह की यहाँ पे फोर्स तैनात कर दी गई है, और मेडिकल की जो टीम है, जो डॉक्टर हैं, सीनियर हैं, वो सभी लोग इस घटना स्थल पे मौजूद हैं। तो जो लोग अलाया अपार्टमेंट में रह रहे थे, जो उनकी जो अपनी जो चीज़ें को लेकर के जो मांगे हैं, जिन्होंने एक प्रशासन से गुहार लगाई है, हमारे बीच उसी फ्लैट के जो कुछ लोग रह रहे थे, हम उनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम BP गुप्ता है। सर, किस फ्लोर पे आपका फ्लैट था? मेरा 2nd फ्लोर पे था, और ये फ्लैट मैंने 2014 में ख़रीदा था। मेरी सरकार से गुजारिश है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये अपार्टमेंट ही इलीगल था, और जिसको ध्वस्तीकरण के 2 बार आदेश दिए जा चुके थे, लेकिन LDA, प्रशासन और बिल्डर, इन तीनों की मिलीभगत के कारण ये फैसला लागू नहीं किया जा सका। अगर ये ध्वस्तीकरण किया गया होता और कानून का पालन किया गया होता, तो मैं खरीदता ही नहीं, बिल्डिंग ही नहीं रहती, तो मैं खरीदता कहाँ से? कब मालूम हुआ आपको कि इसके दोस्तों के जो आदेश हुआ था? ये तो आज अखबारों के द्वारा मालूम हुआ कि इस तरह के ये नॉर्म थे, और इस तरह से हम लोगों के साथ में किया गया, और इतना कमज़ोर मकान बना करके बालू और ये इस पे खड़ा करके दे दिया गया, और एक जो कि भूकंप का एक झटका भी नहीं सह पाया, और कमज़ोर हो जाने के कारण 2 बजे भूकंप आया और 5-6 बजे मकान गिर गया। जब अवैध था, रजिस्ट्री तो हुई थी ना आप लोग की? रजिस्ट्री हुई, बिजली बिल देते थे, हाउस टैक्स देते थे, बैंकों से लोन था, तो और किस तरह से एक आम आदमी पता करेगा कि ये मकान खरीद जो हम रहे हैं वो 24 कैरेट गोल्ड है या नहीं है, जब प्रशासन ही और बिल्डर ही और LDA ही, ये तीनों की आपस में भागीदारी हो, जो शीर्ष लोग हैं, तो बाकी हम जनता का क्या होगा? हमारे साथ न्याय हो और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो, हमें मुआवजा मिले, हमें हमारा हक मिले, इसकी मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं और मांग करता हूं। तो अभी जिलाधिकारी आए थे, DM सुरूपा गंगवार जी, उनसे आप लोगों ने अपनी क्या? उनसे भी मैंने ये बातें रखी हैं, अब अधिकारी हैं, उनके संज्ञान में बात रहेगी कितना आगे ले जाएंगे। हमें तो पूरा भरोसा है, योगी सरकार ने जिस तरह से फैसले लिए हैं और जिस तरह से राहत कार्य और पुनर्वास का काम किया है, वो काबिले तारीफ है, और हम लोगों को पूरा। अधिकारी ने क्या कहा आपसे अभी, जो आपने अपना एक ज्ञापन दिया है, कुछ चीज़ें अपने आप लोगों ने मांगे रखी? ठीक है, जो है वो उन लोगों पे होगा, लेकिन बहुत स्पष्ट रूप से कोई ऐसा आश्वासन नहीं। कुछ सामान वामान को लेकर के यहाँ सामान वगैरह के जो भी है वो नॉर्म पालन किए जा रहे हैं, और उसके संबंध में उन्होंने भी कहा है कि जा करके अपना आइडेंटिफाई कर लें, स्पॉट को देख लें, और वो सुरक्षा में रहेगा, वो सब में कोई ऐसी बात नहीं। तो ये हमारे साथ जो लाया अपार्टमेंट में जो लोग रह रहे थे, उनका ये कहना है
कि अगर अलाया अपार्टमेंट इलीगल तरीके से अवैध बना था तो इस पे एलडीए को इस पे कार्रवाई करनी चाहिए थी, जिसकी जानकारी आज इनको एक दैनिक अखबार के माध्यम से हुई है। तो आज एक अलग ही आक्रोश है जो यहाँ पे रह रहे थे कि जिनकी एक जमा पूंजी रकम थी, जिन्होंने कैसे अपना एक आशियाना बनाया था, उसको एक ही झटके में वो ध्वस्त हो गया, एक छोटे से भूकंप में वो तब्दील हो गया और उसके बाद ज़मींदोज हो गया। लेकिन जो परिवार वालों की गुहार है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने परिवार वाले यहाँ पे खड़े हैं। कुछ परिवार, इसमें से एक परिवार ऐसा है जिसमें उसकी एक बहन, एक बेटी दबी हुई है, जिसको लगातार दो दिन से ढूंढा जा रहा था, लेकिन आज ये आशंका जताई जा रही है कि इसमें कहीं ना कहीं वही महिला हो सकती है जो इसमें दबी हुई है, जिसका रेस्क्यू एनडीआरएफ या एसडीआरएफ की टीम लगातार कर रही है। उसको जल्द से जल्द निकालने के लिए सभी टीमें लगाई गई हैं। अब देखना है कि क्या ये वही महिला जिसको उसके परिवार वाले ढूंढ रहे हैं। जो शबाना की सिस्टर हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं घटनास्थल पे, वो लगातार उनको ढूंढने का प्रयास कर रही हैं पर वो मिली नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं आशंका जताई जा रही है कि इसमें जो एक बॉडी दबी हुई है, अभी जो मेरी आला अधिकारियों से बात हुई है, कहीं ना कहीं वो आशंका जताई जा रही है कि वो बॉडी शबाना की हो सकती है। परिवार वाले मौजूद, हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जाहिदा सिद्दीकी। आप कहाँ रहने वाली हैं? हम सर्वोदय नगर। उनकी बड़ी सिस्टर हैं। आप शबाना की बड़ी सिस्टर? जी। और हमसे बड़ी एक और है, दिल्ली में रहती हैं, वो भी आई हुई हैं। उनको न्यूज़ में पता लगा, न्यूज़ देख के, तो उन्होंने ही फ़ोन किया था, हमें तो पता भी नहीं लगा था। तब हम लोग कहने लगे अलाया जो अपार्टमेंट है वो पूरा जो है गिर गया है और शबाना भी वही उसी में है। हम लोग सो रहे थे, सोते में एकदम से यहाँ भाग के आए तो देखा पूरी बिल्डिंग गिर चुकी थी। उसका सारा सामान, जूते चप्पल सब पड़े हुए थे, उसका बेड, गद्दे, उसके कपड़े सब पड़े हुए थे, लेकिन शबाना नहीं, कहीं नहीं मिल रही थी। ज्वेलरी भी थी उसकी, तो पुलिस वालों ने उठा लिया था, और भी उसका ट्रॉली बैग एक सब था। तो शबाना के साथ कुछ और लोग भी रहते थे? नहीं, शबाना के साथ कुछ नहीं, अकेले थी वो। कितने टाइम से यहाँ पे रह रही थी? वो 2 साल से रह रही थी। खुद का फ्लैट लिया था या रेंट पे? नहीं, रेंट पे था, लेने वाली थी। तो आप लोग यहाँ कब से बैठी हुई? हम लोग कल सुबह से बैठे हुए थे, अभी फिर से आए, घर चले गए थे थोड़ी देर के लिए, 2:30 बजे रात में हम लोग गए हैं, फिर इसके बाद अभी सुबह फिर आ गए थे हम। अभी क्या सूचना मिली जो आप लोग यहाँ पे एकदम से आना हुआ बैठे? कि अभी मिल नहीं रही है, बॉडी मिल नहीं रही है उसकी। हाँ, और लोग तो बहुत अच्छे हैं, इन लोग रेस्क्यू, इन्होंने भी मेरी बहुत मदद की, पुलिस वालों ने भी बहुत मदद की, जहाँ हमने कहा उसी जगह उन लोगों ने देखा। तो ये हमारे साथ शबाना का परिवार था जो दर्द झलक रहा है। माँ भी बैठी हुई हैं, बूढ़ी माँ हैं जो कुछ बोल नहीं सकती हैं, और आप उनका दर्द जान सकते हैं कि अपनी बेटी के लिए कैसे कोई माँ बोलेगी जिसको पता ही नहीं है कि उसकी बेटी अभी है कहाँ। लेकिन जो रेस्क्यू एनडीआरएफ की टीम लगातार काम कर रही है 40 घंटों से, उसमें कहीं ना कहीं आशंका जताई जा रही है कि उसमें एक महिला और दबी हुई है। सरकारी LIC हाउसिंग फाइनेंस से लोन लिया, तो वो पैसा तो सारा ऐसे ही चला गया। तो LIC हाउसिंग फाइनेंस सरकारी कंपनी होते हुए क्यों लोन दी इस पे, जब ये पास ही नहीं था ये प्रोजेक्ट? इसमें हमारी क्या गलती है, ये हम बोलना चाहते हैं। हमारा तो पूरा मेहनत के कमाई 1 मिनट में ध्वस्त हो गया, हम क्या है, क्या करें उसका? अब सरकार बोलती है प्राइवेट है तो ये डिज़ाइन नहीं पास हुई, उसमें हमारी कोई गलती नहीं है ना? हम लोग तो अपने डेली का जो कमाई, रजिस्टर्ड है हम, 2010 में रजिस्ट्री हुई है, 8 दिसंबर को रजिस्ट्री हुई है, 2011 से हम रहे हैं इसमें। अभी आप लोगों के डीए कमिश्नर और क्या सीएम के पास भी आप लोग जाएंगे अपनी गुहार को लेके? अब जाना चाहिए, अगर नहीं कोई सुनेगा तो जाना ही पड़ेगा। कपड़े लेने के लगे जा रखा था, उठाने आए थे, मेरे साथ बदतमीजी किया यहाँ पुलिस के स्टाफ, कहे कि नहीं ले जाने, हमने कहा ठीक है बातें चला के लेंगे। और भाभी की ज्वेलरी जो निकले हैं, कोई नगर निगम का लड़का निकाल रहा था, फिर बाद में देखा कि ये लोग खड़े हैं तो उसने उसमें रख दिया, और अभी वो इनकार कर रहे हैं कि ना ज्वेलरी मिली है। SDRF के लोग कह रहे हैं कि बाकायदे ज्वेलरी मिली है, इसकी और कैश भी मिला है। इसकी पूरी वीडियोग्राफी चल रही है, यहाँ CCTV भी लगा हुआ है। आप लोग यहाँ पर जो मजिस्ट्रेट मौके पर तैनात हैं उनको तुरंत कोई चीज़ बताइए अगर आप नोटिस कर रहे हैं,
यहाँ पर जितने भी लोग सिचुएशन में सब लोग आपकी मदद के लिए मजिस्ट्रेट हैं यहाँ पर। जैसा आपसे दो दिनों से हम कह रहे हैं कि इस मलबे को निकालने में समय लगने वाला है और एक महिला जो शबाना जी है उनका अभी पता नहीं चला है, कल से उनको ढूंढा जा रहा है। जिन कमरों में वो थी 201 और 202 उनको देखा गया, उन कमरों में नहीं थी। तो हो सकता है कि ये बिल्डिंग जब गिर गई होगी तो वो किसी और जगह गई हो, तो उनको अभी ढूंढा जा रहा है, इसीलिए थोड़ा सा इसमें समय लग रहा है। और दूसरा महत्वपूर्ण बात ये थी कि बहुत सारे परिवारों के उसमें कीमती सामान और वस्तुएँ हैं, तो उसको अलग करके फिर मलबे को हटाना है। और एक एक फ्लोर पे एक एक कमरे में कोई और व्यक्ति तो नहीं है, इसको देखना है। तो जिस तरह से ये मलबा है, अभी भी हमें लगता है कि 36 घंटे कम से कम लगेंगे जब हम पूरी तरह से संतुष्ट होंगे कि इसमें आपको और कोई दबा नहीं है और इसको साफ़ करने के बाद ही सब चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी। सर, आसपास के लोगों का कहना है कि जिस वक्त बिल्डिंग गिरी नीचे काम चल रहा था, तो क्या अभी आशंका जता लगाई जा सकती है कि नीचे कुछ मजदूर होंगे? आप जानते हैं कि ये घटना जो है वो 7:45 बजे हुई है, जो हमारी जानकारी है। और यूजुअली जो मजदूर दिन के काम करते हैं वो इतनी देर तक नहीं रहते हैं, तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि वहाँ कोई नहीं होगा। लेकिन इसका पता बेसमेंट में जब ये टीम जाएगी SDRF और NDRF की, तभी कन्फर्म हो पाएगा। लेकिन अगर ऐसा होता कि यहाँ काम करने वाले मज़दूर अगर यहाँ दबे होते, तो उनके परिवार वाले यहाँ ज़रूर अभी तक आ चुके होते, तो ऐसी कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन जब बिल्डिंग का एक एक कोना देखा जाएगा तभी पता चलेगा। सर, अभी इसमें बताया गया कि कोई एक बॉडी है, वही जो एक शबाना जी जो एक महिला है उनकी उनको तलाशा जा रहा है। और कल हमने वही कोशिश की थी, अभी भी वही हो रही है। जैसे ही पता चलेगा तो NDRF की टीम हमें बताएगी। अभी तो नहीं देखा गया है, उनको वहाँ पर कुछ गंध आ रही है, तो हो सकता है कि उसके कारण कह रहे हों। लेकिन अभी थोड़ा धैर्य रखिए, क्योंकि जब टीम को जब पता चलेगा तो उनको निकालेंगे और फिर सबको पता चल जाएगा। राजधानी लखनऊ में जो लाया अपार्टमेंट गिरने के बाद जो एक बड़ा हादसा हुआ था, उसके बाद जो फ्लैट में लोग रह रहे थे उनका ये कहना है लगातार कि जो उसने प्रशासन से अपनी गुहार लगाई है कि इसमें जो उनका सामान था, जो उनकी ज्वेलरी थी, जो लोग यहाँ पर रह रहे थे, जो भी कीमती उनके सामान था वो उनको दिया जाए। इसी के लिए आज यहाँ पे जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार आए हैं और उनसे लगातार लोग यहाँ के अपनी एक प्रयास कर रहे हैं कि हमारा सामान उन्हें मिल जाए। आपने देखा कि किस तरह से लोगों ने गुहार लगाई है। DM जो हैं जिलाधिकारी सुलपा गंगवार से, ऐसे 14 लोगों को सुरक्षित निकाल कर हॉस्पिटल तक पहुंचाया और वो लोग सुरक्षित हैं। अब इसमें जो मलबा हटाया जा रहा है उसमें कुछ सामान जो निकल रहा है उसका उसको भी सेफली निकाल लिया जाए और जो ओनर्स हैं उनकी सुपुर्दगी में सही तरीके से चला जाए, कोई इसमें विवाद ना हो, इस प्रकार की व्यवस्था भी की गई है। यहाँ CCTV और वीडियो कैप्चरिंग के माध्यम से इस पूरी प्रक्रिया को रिकॉर्ड भी किया जा रहा है और जो यहाँ पर यहाँ के निवासी थे उन लोगों को हमने पूरा एक्सप्लेन किया है कि किस प्रकार से ये जो सामान अभी निकाला जा रहा है या मलबे को हटाया जा रहा है उसमें उनके वैल्यूबल्स सुरक्षित रहें। वो उनसे चर्चा करके उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने अपनी टीम्स को भी गाइड किया है कि वो उनकी गाइडेंस लेकर वहाँ से चीज़ों को हटाएं, जिससे कि अगर कोई संभावना है किसी मटेरियल के भी सुरक्षित निकालने की तो हम मटेरियल को भी सुरक्षित निकाल पाएं। सर के ऊपर चढ़ा दे, कल शायद कुछ लोग आप नहीं आए थे जब मैंने इस बात को अनाउंस किया था, कोई बात नहीं। इस सिचुएशन में यहाँ पर हमने दो मजिस्ट्रेट तैनात किए हुए हैं, ये ACM साहब मजिस्ट्रेट 24 घंटे रहे हैं आप लोगों की हेल्प के लिए। तो जितनी जल्द से जल्द जो मलबा हटाया जा रहा है, आखिर अभी ये नहीं साफ हो पाया है कि इसमें कितने लोग अभी दबे हुए। एक नाम सामने आया है शबाना जो 201 या 202 में रह रही थी, जिनको अभी निकालने की रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कैमरामैन सत्यनारायण के साथ लखनऊ से 4 PM क्लीम मोहम्मद शारिक की रिपोर्ट।